सर, जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी बिहार में कल है, उसमें तमाम मुद्दे उठकर आएंगे। क्या क्या एजेंडा है और क्या सीट शेयरिंग एजेंडा पर है? नहीं, सीट शेयरिंग एजेंडा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग से अमित शाह जी से बैठ करके तय करें। ये चुनावी रणनीति, पार्टी को इफेक्टिव बनाना, इन सब चीजों को लेकर के राज्य कार्यकारिणी की बैठक। सर, पर बीच बीच में कई बार बातें उठी है कि भाजपा ने बोला है 20 सीट, 40 में से 20 हम रखेंगे, बाकी हम अपने अलायंस में बात। ऐसा कोई सुझाव जनता दल यू या इसके अध्यक्ष को नहीं मिला है। ये अखबार के द्वारा प्रचार और प्रसार किया गया है, इसको एक सिरे से हम खारिज करते हैं। सर, बहुत बातें उठती हैं, कहते हैं हम बड़े भाई का एटीट्यूड लेकर भाजपा जाएगी वहाँ पे, नीतीश कुमार जी उसको कैसे हैंडल करेंगे? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है और सबसे बड़ी कद काठी के नेता नीतीश कुमार हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार पिछले 15-16 सालों से निरंतर प्रगति पथ पर है, तो वहाँ इस तरह का कोई विवाद नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में भी बात उठ रही है कि वो आरजेडी के साथ जाकर हो सकता है टाइप कर ले, कोलिशन बन जाए उनका, आपको लगता है इसका बिहार की राजनीति पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सब नॉन एंटिटी हैं, जो लोग इस तरह के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं वहाँ श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इंटैक्ट है। रामविलास जी खुद कह चुके हैं कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा, भाजपा के नेता कह चुके हैं उनके नेतृत्व में होगा, इसलिए खाली पब्लिसिटी में कुछ लोग लगे रहे। आपके अकॉर्डिंग सर, क्या क्या बिहार में इस टाइम मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? नीतीश कुमार जी की परफॉर्मेंस पर, जो वहाँ पे गुड गवर्नेंस हुई है, चाहे सड़कों के निर्माण हुए हैं, पुलों के निर्माण हुए हैं, जिस तरह से फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लिटरेसी का ड्राइव बढ़ा है, इतने सारे मुद्दे हैं हमारे पास अपने प्रचार प्रसार के लिए। और जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं, किस तरह से उनका सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एम्पावरमेंट हुआ है, ये सब मुद्दे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।